देश में कोरोना ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं अस्पतालों से वैक्सीन की खुराक चोरी होने की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर के सरकारी अस्पताल कावटिया में वैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि कोल्ड स्टोरेज से वैक्सीन सेंटर तक ले जाते कोवैक्सीन की 32 वायल चोरी हो गई है। कोवैक्सीन की एक वायल में 10 खुराक होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरोत्तम शर्मा के निर्देश पर जयपुर के कावटिया अस्पताल के अधीक्षक ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। बता दें कि जयपुर में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई है और इसमें कई वैक्सीनेशन सेंटर पर काम बंद कर दिया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि 12 अप्रैल को जयपुर के कावटिया अस्पताल को वैक्सीन में डोज आई थी। उसी दिन शाम को अस्पताल ने जब स्टॉक चेक किया तो उसमें 320 खुराक कम मिली। इस घटना के बाद अस्पताल में एकदम हड़कंप मच गया है। इसके बाद 2 दिन तक अस्पताल समिति ने जांच की लेकिन कुछ पता ना चल पाया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को पुलिस में इस मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। बता दें कि राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीते 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है।